Assalamu alaikum, this is Raheen Fatma and welcome to the Talent Intro Show Season 2. Today we have Fahad Khalid with us, who's from Lahore and is now telling us an idea, which is Fashion Central Web Store. Assalamu alaikum Fahad, how are you doing? Wa alaikum assalam, I'm fine and well. So, can you please introduce yourself as to what you're doing currently, and I think then we can kickstart this interview. Yes, during COVID-19, I explored this freelancing career, and I'm right now doing content writing, and that's about it for the time being, and working on my idea. Beautiful. Okay, so let's get started with your problem that you saw in the industry, the fashion industry, or in general, that you want to solve with your idea. The thing is, this idea came to me as I have already worked in a company similar to this, but there were some flaws in it, so that I want to clear it. That is an internal organization flaws, not with the idea itself. Anyways, the idea is quite not unique, I would say, that there is Walmart, there is in Pakistan, you can see Hyperstar, Carrefour. These companies, they do not produce anything from themselves. They are giving everything under one roof. So the vision is also with this idea is Fashion Central Web Store, which means all the fashion under one roof. Mm-hmm. Because that will enable the customer to explore while keeping the cost at minimum. So basically ye hai ki चीजें जो है ना सस्ती करनी है. ठीक है, देखिए अगर आप पांच छह ब्रांड्स को पसंद करते, मैं आपसे फैशन डिजाइनर्स की बात नहीं करता, मैं सफायर, खाड़ी, तीन चार और ब्रांड्स रख लेते हैं. आप अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग जगह से आप कोरियर की कॉस्ट पे करेंगे. ठीक है, आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे, वो सारे ब्रांड्स होंगे, वो सारे प्रोडक्ट्स होंगे, आप उनको कंपेयर कर सकेंगे. आप जब स्क्रीन के ऊपर कंपैरिजन का बटन प्रेस करेंगे, एट दैट मोमेंट वो तीनों ड्रेसेस जो होंगे वो आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ जाएंगे. आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा. फिर अगर आप वो तीनों बाय आउट करना चाहते हैं तो आपको अंडर वन कॉस्ट मिलेगी. ठीक है, ऑब्वियस बात है, जो कोरियर कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज के साथ डील करती हैं, उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू कंज्यूमर जो फेस कर रहा होता है. अब टीसीएस वाले अगर 300 रुपीज चार्ज करते हैं 1 kg के लिए, तो वो दैट्स नॉट नेसेसरली कि वो मेरी कंपनी के साथ भी ये करेंगे. क्योंकि फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग एक कोरियर कंपनी के साथ काम कर रहे थे, कॉल कोरियर, दे यूज टू चार्ज 60 रुपीज, ठीक है, विद इन द लाहौर. ठीक है, लेकिन वो कस्टमर को हम लोग 100 कह देते थे या 150 कह देते थे, जस्ट टू बी श्योर के अगर इन केस वेट में कोई इशू आ जाए तो प्राइस ना इंक्रीज हो जाए. तो द थिंग इज, मेरा जो आइडिया सॉल्व करने का है ना, वो यही प्रॉब्लम है कि फैशन कंपनीज बहुत हैं, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत है, निकल टाइम नहीं है अब लोगों के पास. तो इंटरनेट पे इस तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं. सनाउला स्टोर है, एक मुझे सनाउला स्टोर लगा है. ठीक है, बेसिकली अगर मैं इंस्पायर्ड भी हुआ हूँ तो इसलिए भी हुआ हूँ क्योंकि देखिए, जब आप केयरफोर या हाइपरस्टार कहीं पे भी विजिट करते हैं, वो कितना, इट्स लाइक सो रिलैक्सिंग, हर चीज़ अवेलेबल है. ठीक है, मैं वन पॉइंट पे जाता हूँ, बिल करता हूँ, घर चला जाता हूँ, 100 चीज़ें ले लेता हूँ. इन केस अगर मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाऊँगा, किसी छोटी जगह पे जाऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली मेरे लिए वो ब्रांड्स नहीं पड़े होंगे, वो चीज़ें नहीं पड़ी होंगी, आई विल फील डिसअपॉइंटेड एंड वेस्ट ऑफ टाइम. तो ये आइडिया है जनरली कि फैशन सेंट्रल वेब स्टोर मीन दिस. ये एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट द नेम ऑफ द बिजनेस येट. आई एम थिंकिंग अबाउट इट एंड इट मे टेक टाइम, क्योंकि जो आपका बिजनेस होता है ना, वो आपका ब्रांड होता है. तो बिजनेस नेम इज अ ब्रांड इटसेल्फ, तो उस पर बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. सो राइट नाउ आई डू नॉट हैव अ नेम दैट आई बिलीव वुड सूट माय बिजनेस. आई सी. और फहद, ऑनेस्टली आई थिंक इट्स एन अमेजिंग आइडिया, बिकॉज़ there's many companies, I wouldn't really say in Pakistan or India, like ek region mein, but also worldwide, like that are retailers, you know, unka apna kuch nahi hota, they're just, matlab unki ek khas baat ye hoti hai ki they're providing everything that you might ever think of under their umbrella or their roof, or you know, whatever you want to call it, right? Right? Now, tell me one thing. People can easily just go to any website. I mean, I shop online the most. I am the most online shopping person that I know, because I don't have the time to go to a store
and then wait and then see. I can just like do this and check out from there, right? Okay. But what I do is that I can go to their official page and check it out, right? Agreed. What do you think is that you are providing? Because the people that they want to buy, they can buy like a 7,000, you know, three-piece jora, right? Yes, agree with you. The thing is, now here comes another part. The thing is, जब आप उन कंपनीज को कॉन्टैक्ट करेंगे हर कंपनी का अपना कस्टमर सर्विस वाला होगा, हर कस्टमर सर्विस वाला आपको अपने तरीके से डील करेगा. देर आर मेनी डिसअपॉइंटिंग कमेंट्स, यू कैन सी इन द रिव्यूज इन द कमेंट्स के द कस्टमर सर्विस वाज नॉट गुड, हमने उनको लार्ज बोला था, उन्होंने मीडियम भेज दिया, उन्होंने मेरी मेजरमेंट सही तरह से नहीं की. वो सारी हैसल से आपको गुजरना पड़ेगा. सफायर में आपको अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सफायर में बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस है, ठीक है. अच्छा, खाटी में चले जाते हैं, खाटी में फोन ही नहीं उठाता, ठीक है. अभी रिसेंटली आई डोंट रिमेम्बर माय फ्रेंड ही वांटेड टू बाय फॉर किड्स, ठीक है, क्लोथ्स. तो आई थिंक सो मदर बेबी है, ये बेबी मदर ब्रांड था, ठीक है. इट वाज फुल्ली ऑनलाइन कंपनी, ठीक है. ड्यूरिंग कोविड-19 एवरीबॉडी वाज बाइंग ऑनलाइन, ठीक है. उनका कस्टमर सर्विस वाले फोन ही नहीं उठाते, ठीक है. दिस इज अ फैक्चुअल रियलिटी आई एम टेलिंग यू. हम उनके आउटलेट्स पे गए, वहां पर जाके कंप्लेंट्स की. इट टुक 1.5 मंथ टू रिजॉल्व दिस इशू के उन्होंने गलत चीज भेज दी थी, वेबसाइट पे कुछ ऑर्डर किया था, बैक एंड ने कुछ प्रोड्यूस कर दिया. अब हमारी कंपनी क्या करती है, देखें हम बनाते नहीं है कुछ, ठीक है. दिस यू कैन एग्री ऑन दिस, वी डोंट क्रिएट एनीथिंग, ठीक है. वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू फोकस ऑन अदर स्टफ, ठीक है. अदर स्टफ लाइक फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सर्विस है, प्रोडक्ट अरेंजमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट है. हम वहाँ पर फोकस करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो कस्टमर्स इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को, हम उस प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद ही रिजॉल्व करें. वो हमारे पास आएंगे, वो हमें मेजरमेंट देंगे. आफ्टर दैट इट्स ओवर हेडेक, वी विल डील विद द ब्रांड डायरेक्टली, ठीक है. आपको चीज़ सही मिलेगी, अगर नहीं होगा तो रिटर्न भी फास्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. उसकी रीज़न क्या है, हम लोग अपना कुछ नहीं बना रहे, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. तो हमारी सारी जो की पॉइंट है ना हमारी वेब स्टोर का, वो सर्विसेज है. और अगर हमारी सर्विसेज हैसल फ्री होंगी, सो इट डजंट रियली मैटर क्या दूसरी वेबसाइट्स हैं. अब द्रास को देख लें, homeshopping.pk को देख लें, लोग मोबाइल वहां से क्यों खरीदते हैं, वो जाए तो मेरे घर के पास ही सैमसंग का आउटलेट भी है, निकल वो खरीदते हैं, बिकॉज द्रास इज प्रोवाइडिंग देम अ सेफ प्लेटफॉर्म. वहां का कस्टमर सर्विस 7 days अ वीक चलता है, ठीक है, फ्रॉम 9 to 7. उनकी कोरियर कंपनीज क्या करती हैं, सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक डिलीवरी करती है. एंड आई डोंट बिलीव कि कोई भी अभी तक ऐसी कंपनी है जो रात के 11 बजे तक डिलीवरी देती हो. आई लिटरली रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम द्रास एट नाइट 10. तो दैट्स द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ सर्विस. प्लस इसमें यह कि दिस मॉडल हैज ऑलरेडी बीन ऑब्जर्व्ड बाय मी, ठीक है. मैंने उस कंपनी में काम किया, आई हैव रेवेन्यूज, आई हैव फिगर्स, आई हैव हाउ मच कमीशन वी चार्ज, आई नो एग्जैक्टली हाउ मच प्रॉफिट दे गेट फ्रॉम डूइंग जस्ट दिस. दिस इज जस्ट, हमारा ब्रांड नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम सब सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और हम लोगों ने रेवेन्यूज भी जनरेट किए हैं, प्रॉफिट भी जनरेट किए. तो ये कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसको अभी सोचा जाए, इट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट. अमेजिंग. Okay, now tell me, did you do any market research? I again, you know, there's, if I have a personal experience, ab har kisi ka apna personal experience hota hai, baaz logon ka bahut bura hota hai, is tarah baaz ka aap kuch companies ka naam le rahe hain jinke sath mera bahut bura experience hai, kuch ke sath mera matlab bahut acha hai. To now tell me, Fahad, aapne koi market research ki, aap dost family ke ilawa kisi ke paas gaye? कि हाँ यार आपके okay. साथ ये मसला हो रहा है कि ब्रांड तो बहुत अच्छा है लेकिन कस्टमर सर्विस पे आके जो है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, कस्टमर सर्विस में दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट टाइम्स ऑन यू नो, आई डोंट, एंड आई टोटली एग्री विद दैट. नाउ टेल मी, आपने मार्केट रिसर्च की, लाइक अ फॉर्मल मार्केट रिसर्च? प्राइमरी रिसर्च की अगर आप बात करनी है तो देखिए मेरे पास जो है ना फैक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है, फैक्चुअल कस्टमर के साथ इंटरेक्शन किया हुआ है, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट कस्टमर बिलोंगिंग टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ठीक है. मोस्ट ऑफ द मार्केट जो हमारी फैशन डिजाइनर्स की हैं वो USA, UK और इवन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. आई हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम दैट कंट्री, आई हैव सेंड द प्रोडक्ट्स.
तो डिजाइनर्स क्लोथ्स तो बहुत पॉपुलर है। इवन कि अगर आपको इस बात का आइडिया ना हो, लॉन जो होती है लॉन, वो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इट्स बिकॉज ये 2-3 साल से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें दुबई के जरिए भी अगर भेजते हैं तो हमें कॉस्ट बहुत पड़ती है, तो वो हम प्रेफरेबल नहीं रखते। वरना इंडिया में तो बहुत बड़ी मार्केट है आपके कपड़ों की, आपके फैशन डिजाइनर्स की बहुत बड़ी मार्केट है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने कस्टमर सर्विसेज की बात की, ठीक है। कस्टमर सर्विसेज में देखें, अब जो है ना सिचुएशन ये है कि जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आपका कस्टमर सर्विसेज एवरीथिंग, ठीक है। यू कैन नॉट डिस्प्ले एवरीथिंग ऑन वेबसाइट, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप बेचे चाहे कपड़े की क्वालिटी, कपड़े का नाम, थ्री पीस है, ये है सब कुछ, दुपट्टा ये है, इसमें ये डिजाइनिंग हुई हुई है, अब बहुत से वर्ड्स हैं जो कि पॉसिबल नहीं है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। अच्छा, अगर उनको उर्दू में लिख भी लेते हैं, तो कस्टमर ने बहुत सी दफा आया दे कॉल्ड अस, उन्होंने हमसे पूछा यार ये क्या है, ठीक है। और हमने उनको फिर समझाया कि ये डिजाइन है, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो क्लोथिंग की बात जब आती है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक के अंदर डिटेल्स फिर भी समझ आ जाती है, लेकिन जो कपड़े का मसला आता है ना, वो ये होता है कि कस्टमर जितना मर्जी भी कर लेना, वो उसको डिटेल्स चाहिए होती है। और हमने इस तरह से भी किया था कि उसमें सीन ये होता है कि देखें, आप डिजाइनर क्लोथ्स लें या कोई भी नॉर्मल क्लोथ्स ले, ठीक है, हमने तो अनस्टिच कपड़ों को भी स्टिच करके सेल किया हुआ है, ठीक है। स्टिचिंग कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ था, तो वो भी बड़ा बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, स्पेशली अगर किसी को आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका भेज रहे हो, और अगर आपने प्रॉपर मयरमेंट्स ना ली हो, तो वो आपका कस्टमर इज गॉन, इज अ गॉन केस। अमेरिका, यूके में जब पाकिस्तानी भी होगा ना, वो भी एक दफा आपको चांस देगा, उसके बाद कहेगा नहीं यार रहने दो, और भी ब्रांड्स हैं, हमने क्या टाइम इतना वेस्ट करना है इनके ऊपर। तो वो इस तरह की चीजें ना आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। टारगेट्स आपकी अपनी जगह है, निकल कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। निकल ये कंपनियां क्योंकि इतने बड़े स्केल में चली गई होती हैं, वो हर जगह फोकस नहीं कर सकती, या तो सेल्स टारगेट को देख सकती हैं या वो छोटी छोटी चीजों को देखती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने मैकेनिज्म को, अपने प्रोसेसेस को बेहतर कर देती हैं। निकल ये चीजें रहती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी कंपनी में काम किया था, तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड, ठीक है। समटाइम्स दे डोंट इवन नो कि आप किस कपड़े की बात कर रहे हो। अब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है भाई लॉन क्या होता है, शमीज क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आप मुझे दे दें और आप कहें जी आपको 20,000 रुपया महीना देता हूँ मैं, और आपने कस्टमर को हैंडल करना है, या जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, जब आपकी फील्ड ही वो नहीं है, आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। आप हैंडल नहीं करेंगे, आप मिस हैंडल करेंगे। कस्टमर ऑनलाइन जो है ना, देखें एक वॉक इन कस्टमर होता है ना आउटलेट के ऊपर, वो एक अलग मैटर होता है, ठीक है। वो आया, उसने टाइम वेस्ट किया, फिजिकली आया, उसने लगाया, वो एट वन पॉइंट अगर आपका रूड बिहेवियर भी होगा ना, वो खरीद लेगा, ठीक है। आई हैव सीन दीज केसेस, आई भी हैव फेस दीज केसेस, कि मेरे से रूड बिहेवियर भी हुआ, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं एक जगह पहुंच गया था, मैंने कहा यार दे दो यार, दोबारा मैंने विजिट नहीं किया, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन केस में ये होता है कि जब आप ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे होते हो ना, तो अगर आपका कस्टमर गॉन हो गया ना, तो बस वो गया, इट्स लाइक अ ट्रैफिक, वो गया तो गया, उसको कोई नहीं पकड़ सकता, देयर इज नो वे दैट यू कैन कैप्चर दैट क्लाइंट, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर फास्ट है ना, तो सेंसिटिव भी बहुत है कस्टमर, और अगर उसने बैड माउथिंग करनी शुरू कर दी, तो आपका ब्रांड फिर गया, किसी काम में नहीं आएगा। तो ये रीजन होती है कि आपने जैसे बोला कि आपके एक्सपीरियंसेस अपनी जगह है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस अपनी जगह है। प्राइमरी रिसर्च में मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को रखा ही नहीं, देखिए फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को रखने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली ने कितना खरीद लेगी, असल ऑडियंस मैंने देखनी है अननोन मार्केट्स, ठीक है। आपको बताता हूँ, मैं दुबई में यूएई में हम लोगों ने सेल किया था, ठीक है, 8 to 9 डिफरेंट पीसेज ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स, ठीक है। वो चाहती तो उन सबकी वेबसाइट पे जा सकती थी, वो नहीं जाती थी, वो कहती थी इट्स अ हैसल, क्यों, वो कहती थी सारे ब्रांड्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हमें क्या टेंशन है। अमेजिंग। अच्छा, सो फॉर योर कंपनी सम स्पेसिफिकली आपने क्या टारगेट मार्केट रखी है, बिकॉज़ अगेन या तो फिर यू कैन सेल सेल लाइक वेरी हाई प्राइस डिजाइनर क्लोथ्स, ओ एक तो जो मिडिल क्लास अफोर्डेबल जो है ब्रांड्स भी होते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो मतलब वे ऑफ द रूफ है। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ फाइनेंशियली टॉकिंग आपकी टारगेट मार्केट क्या है? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्टली मैंने जो लास्ट कंपनी में एक एक्सपीरियंस किया था ना, वो ये किया था मैंने एक्सपीरियंस कि उन्होंने ना बहुत हाई एंड लेवल के क्लोथिंग रख ली थी, ठीक है, जैसे ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं। अब प्लीज कीप इन माइंड, पाकिस्तान में ब्राइडल ड्रेसेस कोई भी ऑनलाइन नहीं खरीदेगा, दैट्स पीरियड,
ठीक है, मसलन आप यू आर जस्ट ड्रीमिंग, यू आर जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स। अगर आप उसको डिस्प्ले करवाते हो, देखिए देखिए जब आप एक ऑनलाइन वेब स्टोर मैनेज कर रहे होते हैं, उसकी इमेजेस, उसकी डिटेलिंग, उस पर बड़ा टाइम लगता है, फिर उसको मैनेज करना होता है, उसको अप स्केल डाउन स्केल करके बहुत चीजें करनी पड़ती है, तो ऊपर से वो जगह भी लेता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है आपकी वेब स्टोर पे स्पेस लेती है, ठीक है। तो आप एक ब्राइडल का रख के, ठीक है, आप अपनी ट्रैफिक को डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप खरीदने आएंगी कोई कपड़ा, आप जाएंगी ब्राइडल पे, ब्राइडल का रेट आप देखेंगी, आप कहेंगी यार ये तो बड़े एक्सपेंसिव है। अब आप उस पर बेसिस क्या बनाएंगे, क्योंकि ब्राइडल एक्सपेंसिव है, बाकी भी एक्सपेंसिव है, आप जाए, आपने बैक करनी है स्पेस, गूगल करना है, आपने चले जाना है, ट्रैफिक इज अ गोन केस। तो सबसे पहले आपने वेब स्टोर की स्पेस को जाया नहीं करना, ठीक है, आपने रेलिवेंट कंटेंट रखना है, इररेलीवेंट कंटेंट या कोई इम्पॉसिबल चीजें रख देंगे तो कस्टमर अगर डाइवर्ट हो गया तो स्टोरी एंड, वो आपके मेन प्रोडक्ट पे आएगा ही नहीं, वो उधर जाएगा, वो कहेगा यार ये पागल है, टैब क्लोज करो, गूगल खोलो, लो हाँ मैं चला जाता दूसरे ब्रांड में। अच्छा, तो सिचुएशन ये भी होती है, अब मेरी मार्केट कौन है, मेरी मार्केट में जो है मैंने मिडिल क्लास को भी रखना है, मैंने हाई एंड को भी रखना है, मैंने दोनों को एंगेज रखना है। मेरे पास कुछ ऐसे डिजाइनर्स भी हैं जो 1,000, 1,500, 2,000 के अंदर, मैं ये नहीं कहता आउट क्लास कपड़े देते हैं, लेकिन इट्स मोर देन इनफ फॉर अ मिडिल और लोअर क्लास टू वेयर इट एंड टू फील लाइक दे आर वेयरिंग अ डिजाइनर ड्रेस, ठीक है, ताकि अगर किसी को कल को यू नो पार्टीज एंड ऑल है तो बंदा कहता है यार मैंने डिजाइनर क्लोथ पहना हुआ है, ठीक है। हाई एंड भी है, ठीक है, पॉपुलर एंड के ब्रांड्स भी हैं, तो बात ये कि वो सारे ब्रांड्स को रखना पड़ेगा, निकल पॉइंट ये, हमने वो इतना भी हाई लेवल पे एंड नहीं रखना कि जिसका मुझे पता है कि यार जो बंदा लाख रुपया खर्चेगा ना वो ऑनलाइन ही खर्चेगा, वो कहेगा मैं फिजिकली आऊँ उसके स्टूडियो और फिजिकली बैठ के डिस्कशन करूँ, मेक श्योर करूँ कि मेरे जो 1,00,000 रुपीज़ है ना वो ज़ाया ना हो, ठीक है। प्लस ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो डिज़ाइनर्स, जितने भी पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स हैं, कोई भी आपको ब्राइडल नहीं देगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे ना कि सर हमें आपके से ब्राइडल पे भी काम करना है, दे विल नेवर गिव यू ब्राइडल, क्योंकि ब्राइडल के ऊपर सबसे मेजर कमीशन होती है उनकी, ठीक है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 60% फ्लैट प्रॉफिट ब्राइडल के ऊपर होता है, ठीक है। इट्स शॉकिंग आई नो, बट आई हैव वर्क सो आई नो। तो ब्राइडल का कस्टमर अगर आपके पास आ भी जाएगा, कोई डिजाइनर आपको एंटरटेन नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे पास भेज दो और उसके बाद आपको कुछ कट नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगी, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो ब्राइडल ड्रेसेस के अलावा बाकी सब ड्रेसेस होंगे, ठीक है, लॉन्च ऑन एंड ऑल दैट स्टफ अकॉर्डिंग टू द यू नो सीजंस होंगे। निकल डिजाइनर्स कुछ ऐसे होंगे हाई एंड, कुछ लो एंड होंगे, ताकि जब कस्टमर एंटर करे तो उसके पास दोनों चीजों की अवेलेबिलिटी हो। देखिए अगर मैं आ जाके गुची और एलवी वाला काम करने शुरू कर दूं, या गुची एलवी कर सकते हैं, उनकी मार्केट में पोटेंशियल भी है, उनकी मार्केट में परचेजिंग पावर भी है, मैंने अपनी मार्केट की परचेजिंग पावर देखनी है। मुझे पता है कि फरत देर आर मेनी ब्रांड्स के वो बहुत हाई एंड है, ठीक है, उनकी लॉन्च 7,000 रुपीज की होती है, ठीक है, लेकिन वो बात ये कि वो सेल होती है, निकल इतनी नहीं होगी। अगर किसी लोअर अगर आप मिडिल क्लास की फैमिली को चाहोगे तो कहेगा 7,000 के अंदर मुझे 3 लॉन दे दे कोई, ठीक है। वहां पर आपके मिडिल और लोअर एंड डिजाइनर्स आते हैं, वो वहां पर आपके सब्सटीट्यूट करेंगे, रेवेन्यू आपको वहां से भी जनरेट होता है। देखिए आपने अगर हाई एंड पे जाएंगे ना तो पाकिस्तान की हाई एंड की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, जस्ट बिकॉज आप लाहौर इस्लामाबाद कराची चले जाते हैं, वहां पर आपने थोड़े से रिच लोग देख लिए हैं, थोड़ी प्राडो शराडो देख लिए, तो आप एज्यूम कर लें कि पूरा पाकिस्तान ही अमीर है, ठीक है, दैट्स नॉट द केस, ठीक है। पिशावर में से जो आपको कॉल करेगी ना वो कहेगी 2,000 से नीचे का तो कपड़ा मैं सोच ही नहीं सकती, ठीक है, ये एक्सपीरियंस बता रहा है ना, क्योंकि मैंने किया हुआ है। सरगोता हो गया, साहिवाल हो गया, ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, ठीक है। सेकेंडली ये है कि इसके अंदर मेरा जो मेन मकसद है ना, वन मोर थिंग, वो ये कि मैंने पाकिस्तानी मार्केट में एक चीज देखी है, शूज, ठीक है, फीमेल शूज अवेलेबल नहीं है। मसलन मैंने जितने भी डिजाइनर कपड़े बेचे हैं ना, उन्होंने क्या किया है कि दे लिटरली वेंट फॉर फॉरेन ब्रांड्स, ठीक है, उन्होंने बाहर के हील्स एंड स्लिपर्स एंड ऑल दैट स्टफ, वो लोकल नहीं लेते, क्योंकि मैंने जब लोकल सर्च किया, आपका बोर्जोन आ जाता है, आपका स्टाइलो आ जाता है, आपका इंसिग्निया आ जाता है, ठीक है, या तो फिर बिल्कुल हाई एंड चले जाते हैं जो इंपोर्टेड मिल रहे होते हैं, ठीक है, कांचन लियारी एंड मैन स्टोर वगैरह, आई हैव नो आइडिया, ठीक है, लेकिन सम आइडिया है। तो मेरा भी ये माइंड था कि मैंने डिजाइनर शूज के ऊपर भी वर्कआउट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी प्रोडक्ट होगी, दैट विल हैव माई ब्रांड ऑन इट, ठीक है। निकल
वो 5-10 years लाइक जब बिजनेस प्रॉपर रन कर रहा हूँ या दैट्स माय फ्यूचर या नाउ कीप दिस वन अ बिट शॉर्ट tell me कि वेबसाइट और ऐप का एक होता है कि भाई मुश्किल होता है अगर आप एक टेक साइड है फिर बनवाना होता है इफ यू नॉट द टेकी पर्सन तो वो आपने किस तरह हैंडल किया वो मैंने इस तरह से हैंडल किया हुआ है आई हैव अ फ्रेंड ठीक है हु इज वर्किंग इन नेटसोल सिस्टम्स लिमिटेड फॉर मोर देन 5-6 years और उसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है एंड ही हैज प्रोवाइडेड मी अ बजटेड रेट तो दैट्स नॉट अ रियली प्रॉब्लम फॉर मी प्लस मैंने जब कंपनी में काम किया था तो मैंने हैंडल किया हुआ सो आई हैव अ वेग आइडिया आई शुड से कि कैसे करना है बिल्कुल और मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द एरियाज राइट नाउ जो मतलब बिल्कुल स्टार्ट में यू आर ऑपरेटिंग इन स्टार्ट में ऑपरेटिंग डिजाइनर्स जो मैं टारगेट करूंगा जो लाहौर में रहते हैं ठीक है दैट विल बी द इनिशियल पॉइंट ठीक है टू अवॉइड कॉस्ट मैं अगर कराची इस्लामाबाद के डिजाइनर्स के पास जाऊंगा मुझे डिलीवरी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अभी स्टार्टअप पॉइंट है तो मैंने कॉस्ट को मिनिमम रखनी है तो कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए क्या करूंगा लाहौर के ही विद इन पैरामीटर के अंदर जितने डिजाइनर्स हैं जितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनके साथ डिस्कशन करके कोरियर कंपनी से मैं लाहौर के अंदर पूरे पाकिस्तान में करूंगा ठीक है और साथ ही साथ मैंने इंटरनेशनली भी वर्किंग करनी है क्योंकि असल जो इनकम है ना कैश फ्लो है वो आपको सिर्फ फॉरेन कंट्री से मिलेगा व्हाट अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकॉज़ आई नो बीइंग एक्सपीरियंस एज एन एंटरप्रेन्योर सो स्ट्रेस इज समथिंग जो बिल्कुल तोहफे में आपके साथ आता है यू नो यू आर लाइक ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है ये भी हो गया वो भी हो रहा है बट व्हाट इज इन दैट सब दिस काइंड ऑफ लाइक गोइंग थ्रू योर माइंड सो हाउ हैव यू डेल्ट विद ऑल दिस स्ट्रेस दैट कम्स विद एंटरप्रेन्योरशिप कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन क्योंकि आपकी ना आवाज बीच-बीच में ब्रेक हो रही थी अच्छा ठीक है मुझे ये बताएं कि हाउ हैव यू डेल्ट विद ऑल द स्ट्रेस दैट कम्स विद एंटरप्रेन्योरशिप करंटली आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर सो इट्स ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब यू नो द क्लाइंट्स वांट द इम्पॉसिबल ठीक है तो ये तो ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उससे पहले जॉब कर रहा था निकल जॉब के बाद मैंने ड्यूरिंग COVID-19 ये स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग का फिर मैंने तो स्ट्रेस हैंडल हो जाएगा पॉइंट इज कि मेरे लिए ज्यादा इस टाइम जरूरी है कि आई एम लुकिंग फॉर टीम मेंबर्स ठीक है क्योंकि क्रांसफील्ड यूनिवर्सिटी का मैंने सर्टिफिकेशन की थी एंड बिलीव मी मेरी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन अपनी जगह निकल एक चीज उन्होंने मुझे सिखाई थी इम्प्लॉयज और मुझे वहां से पता लगा कि यार जो कंपनी का कल्चर हो ये सारा कुछ सेट करता है वो इम्प्लॉयज करता है अगर आप अपने इम्प्लॉयज का ख्याल रखोगे तो आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली वेल मेंटेन्ड रहेगा तो टीम मेंबर्स होना बहुत जरूरी है एसेंशियल मेरे लिए तो आई एम लुकिंग आउट फॉर देम और इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली मुझे चाहिए होगी निकल प्लीज कीप इन माइंड कि इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है ठीक है ना लोग समझते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इतनी नहीं है ठीक है आई मीन 2-3 lakh rupees इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट दिस बिजनेस ठीक है और 2-3 designers भी अगर आपको छोटे लेवल पे मिडिल लेवल पे अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है फिर आगे आप बढ़ते जाओ जितना बढ़ाना है बिल्कुल अच्छा ना टेल मी अबाउट मोर अबाउट द प्रमोशनल प्लान बिकॉज़ आई थिंक ये बहुत कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जो स्टार्ट में बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रमोट करते हैं कुछ होते हैं जो दे काइंड ऑफ गो विद द फ्लो सो वेयर इज योर स्टार्टअप लाइन राइट नाउ द दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन लास्ट कंपनी में यही इशू था दे वर यूज्ड टू गो विद द फ्लो ठीक है तो क्या होता था मंथ के एंड के अंदर प्रॉफिट अगर निकलता भी था तो वो प्रॉफिट इतना नहीं होता था कि कंपनी के एक्सपेंसेस को भी पे कर सके एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज को भी और लेबर को भी और उनकी भी पेमेंट सैलरीज कर सके तो वो ऑनर को यूजुअली अपनी पॉकेट में से देना पड़ता था तो क्वेश्चन ये था और इसका जवाब ये कि मैंने रिसेंटली अभी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सर्टिफिकेशन किया है जस्ट इंट्रोडक्शनरी नथिंग वेरी डेप्थफुल तो अपार्ट फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग SEO इज अ वेरी very deep first of all it's a very deep concept I was misunderstood regarding that to maine karne ke baad thoda sa idea ho gaya yaar ye to bahut deep concept hai theek hai ye on page off page social media ke sath SEO ka is tarah se link up hota hai content writing ke andar SEO ka kya point of view hota hai google ka algorithm jo hota hai wo kis tarike se aapki website ko promote karta hai at the same time social media ke algorithms kya hai तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है तो वो मैंने सोचा हुआ है कि उसके लिए तो डेफिनेटली मैंने बंदा रखना है अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस से वेबसाइट बना
आके मेंटेन मैं खुद कर लूंगा, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन व्हाट फॉर प्रमोशन पर्पसेस मुझे एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट पर्सन चाहिए होगा एटलीस्ट, जिसको पता हो इस चीज होगा, क्योंकि वही मेरी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंकिंग करवाएगा और सोशल मीडिया फेसबुक पे प्रॉपर ऑडियंस के पास डिस्प्ले होगा, वरना आपके पैसे आए हैं, फेसबुक ने पैसे लेने हैं, उसने डिस्प्ले कर देना है, 1000 लाइक आ जाएंगे, एक ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। मैंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैंने ड्यूरिंग COVID-19 कुछ चीज़ें बेची थी, वो मैंने अपनी सेल्फ कस्टमर सर्विसेज की बेसिस पे बेची थी, फेसबुक के अंदर मैंने बूस्टिंग की, इंस्टाग्राम पे बूस्टिंग की, मुझे एक ऑर्डर नहीं आया और 1000 लाइक्स आ गए, बस 1000 लाइक आएंगे बस, और 2 कमेंट आएंगे, तो वो उसकी रीज़न ये होती है कि मुझे प्रॉपरली आइडिया नहीं था उस टाइम। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली ई कॉमर्स के लिए कि आपकी ऑनलाइन प्रमोशन बहुत जरूरी है। अच्छा ना, tell me more about the family relation, लेकिन जो भी entrepreneur होता है, it's kind of like a stage I think in entrepreneurship, however, कि you tell your parents कि this is what I want to do, जब आपने पहले शायद कुछ और पढ़ा होता है, so it's not necessarily कि आपने entrepreneurship या फिर business ही पढ़ाओ, so how was it telling your parents and what was their reaction? Basically this is the funny thing कि जो family थी वो हमेशा चाहती थी कि they wanted me to do some business, ठीक है, क्योंकि father was on job and all that stuff, तो job का तो scope नहीं होता, job तब तक ही होती है जब तक चल रही होती है, once it's gone case, ठीक है, तो business के point of view से वो हमेशा supportive थे, ठीक है। suddenly मैंने COVID-19 में job lost की, तो उसके बाद मैंने freelancing start की, उन्होंने इस freelancing की field को देखा, उसकी potential देखी, ठीक है, जब मैं घर बैठे बैठे यू नो आई वाज अर्निंग, तो उन्होंने फिर मैंने उनके सामने पिच भी किया था आइडिया, तो ये आइडिया पिच करना मेरे लिए आसान इसलिए था क्योंकि देखिए मैंने एक आइडिया पे काम किया हुआ, ये किसी बिजनेस, ये ऑलरेडी चलता फिरता बिजनेस था, निकल वो फेल हो गया क्योंकि वो एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सका। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से देख ली, कुछ क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे अपने सर्टिफिकेशन में समझा दिया कि किस तरीके से स्टार्टअप में प्रॉब्लम्स आती हैं, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डील करते हैं, कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें करते हुए मेरे लिए आसान था आइडिया को पिच करना, जिसके पर ऑब्वियसली फैमिली ने कहा कि ठीक है यार तुम ट्राई करो, वी डोंट माइंड, तो मैंने कहा ठीक है। बिल्कुल। अच्छा नाउ टेल मी फाहद कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद आइडिया जस्ट? आइडिया जस्ट का एक्सपीरियंस, फ्रैंकली स्पीकिंग, आइडिया जस्ट का एक्सपीरियंस इस तरह से था कि आई वॉज विद नेवटेक, ठीक है, नेवटेक के साथ मैं सर्टिफिकेशन कर रहा था, तो एज यू नो मार्च के अंदर सब कुछ बंद हो गया, ठीक है, तो मैसेज आया आइडिया जिसका, आई ज्वाइन द आइडिया जिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग, इट वाज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, ये ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह, आई नो ये चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये भी रिसेंटली फिनोमेना था। अगर आपने लर्निंग करनी होती थी पाकिस्तान में, तो आई बिलीव यूट्यूब ही होता था जिसपे आप लर्निंग करते थे, ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो जब आइडिया जस्ट ज्वाइन किया, आप लोगों के वो डिफरेंट वीडियो सेमिनार से, अच्छा कुछ तो बहुत मज़े के थे, कुछ बहुत लेंथी थे, कुछ शॉर्ट थे, लेकिन बड़े इनलाइटिंग थे कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करते किस तरह से है। तो निकल आइडिया जिसका सर्टिफिकेशन करने के बाद, जो क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी का था ना, फर्स्टली आई वाज यू नो कंफ्यूज कि यार करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली मसला ये भी था, जब मैं गूगल करता था ना तो मिलती नहीं थी मुझे, जब मैंने इसको ढूंढा तो मैंने देखा यार ये तो मास्टर से ऊपर के प्रोग्राम्स करवाती है, तो फिर आसपास लोगों से पूछा तो दे डिडंट इवन हैड नॉलेज, फिर मैंने कहा कि यार मैंने सोचा मैं कितने लोग मास्टर्स करते हैं, रेयरली होता है, लोग ज्यादातर ग्रेजुएशन के बाद काम पे लग जाते हैं, दे फॉरगेट अबाउट स्टडीज, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान में है, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि मेजोरिटी में है, निकल मैं एक तीनों ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी मास्टर्स एंड अबव करती थी, तो लोगों को नॉलेज नहीं थी उसकी। खैर जब उसको ज्वाइन किया, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, तो इट वॉज क्वाइट नॉलेजेबल, मतलब मुझे तो फायदा दिया, हालांकि मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ था, मुझे उसके जो सेवन स्टेप्स थे ना, उसमें 6 के 6 स्टेप्स जो थे ना, वो एक एक चीज आती थी, दैट वॉज ऑलरेडी स्टडीड इन माई यूनिवर्सिटी, निकल कुछ एडिशनल चीजें थी जो कि मुझे लगा कि नहीं यार ये चीजें जो थी ना ये नहीं पढ़ाई गई थी, तो वो मेरे लिए फायदा मंद हो गया, सो इट वॉज अ गुड रिविजन फॉर मी। And now that we're coming towards the end of the interview, what is the last message that you'd like to give to everybody who's watching and everybody who is interested in becoming an entrepreneur?
यार देखो, बेसिकली सिंपल बात है, बात ये कि अगर तो आप लोग रिस्क नहीं लेंगे ना, देर इज नो रिवॉर्ड। बिजनेस का सिंपल रूल है, जिसने ओ लेवल्स, ए लेवल्स या इंटरमीडिएट कहीं पे भी बिजनेस पढ़ा होगा ना, बिजनेस की बुक का पहला चैप्टर ये होता है कि रिस्क इज इक्वल टू रिवॉर्ड। ठीक है, आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये, अगर आप रिस्क ले रहे हैं ना, तो आप उस चीज के ऊपर बिलीव के साथ रखिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, लोग आपको डिसअपॉइंट करेंगे, डिस्करेज भी करेंगे। ये वो लोग होंगे जो जॉब पे खुश नहीं होंगे, और वो आपको देख के बेसिकली ना थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू से, आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड, निकल, जेलस फील करते होंगे। ठीक है, जेलस इस तरह से फील करते होंगे कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी लाइफ को डिक्टेट कर रहे हो, और वो लोग बेचारे जॉब्स पे बैठ के लोगों की डिक्टेशन लेते हैं। ठीक है, तो मैं एज अ पर्सन जिसने जॉब किया, अगर जॉब छोड़ के मैं इस फील्ड में आया हूँ, आई कैन टेल यू दिस, ये फील्ड इतनी, देखे, इस फील्ड में कॉन्स्टेंट चीज नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड। लेकिन ये बुरी बात भी नहीं है, अगर आप, जब आपका अपर कैप, आप लोअर कैप को छोड़ दें, लोअर कैप को छोड़ दें, आप अपर कैप को देखें, आपके पास अपर कैप नहीं है, स्काई इज द लिमिट। आप अर्न करें जितना कर सकते हैं, आपका जितना स्टैमिना, फ्रीलांसिंग में अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना कुछ भी खोल सकते हैं। तो रहेगी बात मेरे आइडिया की, तो दिस इज समथिंग दैट आई विल डू इट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, व्हेन आई फील लाइक यार मेरे पास ऑल द कंपोनेंट्स आर रेडी। ठीक है, इवन दो पाकिस्तान में चल रहा है ना, कि मुझे पता है ना, पाकिस्तान में उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है लोगों के पास। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्लैब शॉप भी खुली है रिसेंटली, स्लैब शॉप एक वेबसाइट है खुली है, जहां पर सेलिब्रिटीज को यूज किया जा रहा है कि जी सेलिब्रिटीज किस किस्म के कपड़े पहनते हैं। ठीक है यार, वो चल रही होगी। ठीक है, लेकिन पॉइंट इज, मेरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मेरी चीजें डिफरेंट है, सो दैट्स अबाउट इट। बी होपफुल, ठीक है, नेवर गिव अप। Amazing. Thank you so much, Fahad, for coming. Thank you so much, everybody, for watching. Agar aapke koi bhi sawalat ho from Idea Gist, you can always go to our Facebook page and write this there. There's also a number there that we have. Aur hamari wahan pe email bhi hai. So agar aapko kuch email karna hai, to you can do that. If you want to be part, do the same process, and any sort of queries or feedback that you might have, we're always welcoming that. Anything that is from my show or any other show that we air, always, always welcome. अच्छा हो, बुरा हो, feedback तो होता है, right? So thank you so much, everybody, and inshallah we'll come again with another talented person in the Idea Chest.